हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं कैनवा में आपको बताऊंगा कि आप कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल कैसे कर सकते हो। कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल का मतलब क्या है कि अगर किसी एलिमेंट में, किसी पिक्चर में, किसी टेक्स्ट में हमने जो स्टाइल किया है, वही स्टाइल हमें सेम कॉपी करना है किसी दूसरे इमेज में, टेक्स्ट में एंड शेप में, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल कैसे ले लेंगे? सी मैंने प्रेस किया, सर्कल आ गया। अब सपोज एक मैंने ले लिया, स्क्वायर ले लिया, आर प्रेस करूंगा तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल आ जाता है हमारे पास। स्क्वायर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, रेक्टेंगल की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज इसमें मैंने कुछ स्टाइल कर दिया, जैसे इसमें मैंने बॉर्डर लगा दिया, ये डॉटेड बॉर्डर मैंने लगा दिया, बॉर्डर का थिकनेस इंक्रीज कर दिया, बॉर्डर का सपोज मैंने कलर चेंज कर दिया, येलो कलर दे दिया, ठीक है। एंड जो भी और भी जो भी स्टाइल्स इसमें आपको लगाने हैं, ये जो शेप है उसका कलर चेंज करना है या जो भी चेंज करना, अंदर कुछ लिखना है लिख सकते हैं। तो अब ये जो स्टाइल है, सपोज इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्टाइल, सेम स्टाइल मुझे कॉपी करके इस वाले एलिमेंट पे लगाना है, ये जो रेक्टेंगल एलिमेंट है मेरे पास इसमें लगाना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे वैसे शॉर्टकट एक हमें ऑप्शन भी मिलता था कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल का, वो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल अल्टर सी सी, ठीक है। आपको प्रेस करना है कंट्रोल अल्टर सी, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल सी यूज़ करते हैं कॉपी के लिए, तो बस आपको बीच में एक अल्टर लगाना है, कंट्रोल अल्टर सी। एंड वही स्टाइल जब पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल अल्टर वी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल अल्टर सी प्रेस किया एंड इसमें मुझे स्टाइल पेस्ट करना है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल अल्टर वी, ठीक है। तो ये सेम स्टाइल इसमें आ गया, ठीक है। जैसे मैं कोई फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको एलिमेंट टू एलिमेंट बताया। जैसे अगर मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, सपोज ये टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट इसमें लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच वाई जेड, जो भी लिखा मैंने। अब सपोज मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे नीचे मुझे कुछ फॉन्ट्स दिख रहा है, तो ये फॉन्ट मैंने ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला जो फॉन्ट है, अब उसमें कुछ स्टाइल लगा हुआ होगा, वही मुझे यहाँ पे भी लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले फॉन्ट को, यहाँ पे टेक्स्ट को कंट्रोल अल्टर सी प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल अल्टर सी यहाँ पे मैंने प्रेस किया, फिर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल अल्टर वी यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो आप देखो वही स्टाइल इसमें भी आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कोई अगर इमेज वगैरह आपके पास है, आपने अपलोड किया है कोई इमेज, या कोई पहले से जो इनबिल्ड इमेजेस होते हैं उसको यूज़ कर लिया है, तो सपोज ये मेरे पास एक इमेज है। अब इसमें अगर मैं कोई फिल्टर वगैरह लगाता हूँ, जो भी स्टाइलिंग करता हूँ, वो स्टाइलिंग मुझे दूसरे इमेज में पेस्ट करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई दूसरा इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज पहले वाले इमेज में मैं कुछ यहाँ पे सबसे पहले तो फिल्टर्स लगा लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसका ब्राइटनेस इंक्रीज कर दिया, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर दिया, सेचुरेशन मैंने कम कर दिया एंड कोई फिल्टर यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज ये जो तीन फिल्टर हैं, और भी बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, तो कोई भी फिल्टर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यही सेम फिल्टर, सेम ब्राइटनेस वगैरह जो मैंने दिया था, वो मैं चाहता हूँ इस पर भी अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा पहले इमेज को एंड कंट्रोल अल्टर सी प्रेस करूँगा। उसके बाद दूसरा जो इमेज है वहाँ पे जाके मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल अल्टर वी प्रेस करूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो सेम स्टाइल अप्लाई हो गया दूसरे इमेज पे। तो इसको हम बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।